हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखो दोस्तों, कल था संडे और संडे को हम लोग बना देते संडे कमेंट स्पेशल, लेकिन मैं नहीं बना पाया यार। और नहीं बना पाने का रीजन जो है ना, आप सबको पता है, वो होता दीपावली। क्योंकि दीपावली के दिन बहुत ज्यादा काम होता है घर में, लाइट वगैरह देखो लगाना है पक्का। और एक बात आपको पहले बता दूं, देखो भाई मेरे को खांसी का प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में खांस लूं ना, क्योंकि बीमार है। देखो सर्दी जुकाम आया हुआ है, मुझे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से अगर मैं खांस लूं तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो है ना दो भाई आज यहाँ में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मेरा जो सबसे छोटा भाई है, मतलब मेरा मामा का बेटा है, ठीक है ना, उसको बुला रहा हूँ मैं, सबसे छोटा भाई। भाई यार तू आ जा इधर। और उसकी खासियत अगर मैं आपको बताऊं ना, तो वो गाना बहुत अच्छा गाता है, ठीक है ना, एक बार सुनेंगे भी हम लोग। तो भाई प्लीज यार आ जा यार, तू क्यों इतना शर्मा रहा है। मेरे सारे दोस्त हैं यहाँ में, हाय बोल दे यार सबको। हेलो। हाँ तो ये मेरा भाई, छोटा भाई, इसका नाम है विनोद शर्मा, ठीक है ना, गाता बहुत अच्छा है, इसका गाना भी सुनेंगे। अभी जो दूसरा भाई है ना मेरा, मेरा छोटे लाल, वो जो रहता है बाहर में यार, तेजपुर में रहता है, तो ये जो पूजा वगैरह जब भी होता है या कोई त्योहार घर में आता है ना, तब वो आता है। तो यार आता ना भाई यार, इतना अभी ओबामा है क्या कि नरेंद्र मोदी इतना टाइम ले रहा है। तो ये है मेरा छोटा भाई राजू शर्मा, आपने इसको देख लिया होगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, देखो इधर घूम गया वो, ठीक है ना। तो भाई हाय बोल दे यार सबको, मेरा भाई है। तो अब क्या करते हैं हम लोग यार, थोड़ा गाना सुन लेते हैं, ठीक है ना। विनोद यार छोटे भाई, तू एक गाना सुना दे, क्या बोलते भाई, गाना सुनाना चाहिए, दीपावली का मौका है और सबको हैप्पी दीपावली, ठीक है ना। और देखो भाई एक बार बोलते, तो और ये गाना जो अगर अच्छा लगता है ना, तो आपको लाइक करना है। आपने अगर चैनल पे नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दो। और बेल क्या करना है, बजा देना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आप बेल बजाओगे तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो विनोद ओके, लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, देखो भाई इसके बाद जो है ना, इस गाने के बाद मैं आपको डायरेक्ट डांस के स्टेज पे लेके जाऊंगा, क्या बोलते हो भाई, डांस जहां पे हम लोग डांस करने वाले वो भी दिखाऊंगा। मैंने पूजा का तैयारी कैसे किया है घर में, वो भी दिखाने वाला हूँ, सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको। तो अभी पहले इसका गाना सुन लेते हैं यार, गाना सुना दे। कल जो ना तुझसे मिला मैं होता, सैड गाना बहुत गाता है, आज ना बिछड़ने की बात ये होती, ना तो तुझे खोने का खौफ ही होता, ना तो तुझे पाने की आस ही होती, कस पैर से मिला होता, जाओगे खफा होके, जा हमसे जुदा होके, दिल तू बेवफा होके, जा हमसे जुदा होके, दिल तू अच्छा गाना था यार, दिल छू लेता है। और इसको हम लोग वैसे ना प्यार से थ्री इडियट्स का राजू रस्तोगी बोलते हैं, क्योंकि उसने जैसे सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना, ये भी वैसा ही गाना गाता है कि मतलब कभी सुसाइड अटेम्प्ट भी कर देगा, सैड सॉन्ग हमेशा तो भी एक्टिव फुर्ती वाला। देखो ऐसा माहौल है जब हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो यहाँ नहीं गा पाया ये वैसा टाइप का गाना ना, क्योंकि इसका जो जॉनर है ना, जॉनर ही वही है, मतलब सैड सॉन्ग बहुत ज्यादा गाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, चलते हैं ना डांस करने, वहां में दिखा देते। देखो मैं बीच में कुछ एक शब्द भी नहीं बोलने वाला, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे डांस कर रहे हैं, किस गाने पे कर रहे हैं। कॉपीराइट आ जाए मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन गाना बजेगा, ठीक है ना, और हम लोग डांस करेंगे। क्योंकि मेरे को देखो भाई, मेरे को ये वीडियो बहुत वायरल हो जाए, कहां पहुंच जाए मतलब नहीं, मैं आपको बस दिखाना चाहता था कि मैंने पॉल्यूशन फ्री दीपावली जो है ना कैसे मनाया। मैंने बहुत अच्छे से मनाया भाई, मैंने कोई बम फटाके कुछ नहीं फोड़े, लेकिन मैंने इंजॉय बहुत किया, ठीक है ना। तो ये क्या क्या बोलते हैं भाई, बम फटाका फोड़ना कोई इंपॉर्टेंट है या नहीं ना, इंजॉय कर सकते हैं। तो चलो यार देखते हैं हम लोग डांस स्टेज में कि क्या करते हैं, और डांस स्टेज में बरामदा में डांसेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, चलिए तो चलिए चलिए देखते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जो है ना घंटी को टंग टंग करके बजा देना है, बस बिल्कुल बजा देना है ना भाई। चलो चलते हैं,
मैंने सोचा कि दिवाली का जो मजा है ना, जो हम लोग ले रहे हैं, तो मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग कहाँ कहाँ में क्या क्या मजा ले रहे हैं। बहुत अंधेरा आ रहा है, एक्चुअली मैं अंधेरी जगह पर हूँ इसलिए अंधेरा आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं मेले पर, तो देखिए दिवाली के मौके पर हम लोग मेला जो है ना उसका एंजॉय खूब करते हैं। तो मेरे साथ जो है ना मेरे दोस्त, मतलब मेरा भाई है एक, ये देखो ये विनोद शर्मा जो कल गाना गा रहा था आपके सामने, कल मतलब वो वीडियो में कल अपलोड करने वाला हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मेरे यहाँ में मेरे एक दोस्त जो है ना SR, हेलो बोल दो यार सबको। तो हेलो, हम लोग जा रहे मेले पर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेले में क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं। थोड़ा अंधेरा है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? चलिए जाते जाते जो है ना मेरा एक छोटा सा भाई है और मेरा दोस्त भी है कल्याण, वो मुझे मिल गया है। कल्याण यार हेलो बोल दो, ये देखो मेरा भाई भी है और मेरा दोस्त भी है, ठीक है ना? तो ये मुझे अचानक से मिल गया है यहाँ पे, ये भी एंजॉय कर रहे हैं मेले का, ठीक है ना? हम लोग देखते हैं और क्या होने वाला है आगे, क्या इंटरेस्टिंग है। बीच में और हमारे जो सैनिक है ना हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। देखिए वो बॉर्डर पे तो हमारी सेवा करते ही है, साथ साथ में देखिए मेला वगैरह जब भी कुछ होता है ना तो हमारे जो सैनिक है वो इस तरह से हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। तो इनको कितना रेस्पेक्ट और कितना सम्मान हमने देना चाहिए, आप खुद सोच लीजिए एक बार कि इनको रेस्पेक्ट जो मिलना चाहिए ना वो कितना मिलना चाहिए। क्योंकि एक जो देखिए बॉर्डर तो बहुत ही आम बात है कि बॉर्डर में तो रहना ही है उनने, लेकिन जो है ना हमारे साथ जो हमारा मेला वगैरह कुछ भी होता है, कोई भी ओकेशन है, हमारा त्योहार जो होता है, उस त्योहार के बीच हमारे पास में हमारे जो सैनिक है, हमारे भारतीय जो जवान है वो हमारे पास रहते हैं। तो इनको जय हिंद जय भारत, कसम से बहुत दिल खुश हो जाता है जब मैं इन लोगों को देखता हूँ हमारे लिए।